जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की न्यू वैकेंसी के बारे में, यानी कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से यहाँ पे न्यू वैकेंसी निकाली गई है और ये ग्रुप सी की वैकेंसी होने वाली है, जिसके लिए पूरे भारत से कोई भी महिला पुरुष कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो आपकी वैकेंसी रहेंगी वो 100% परमानेंट जॉब रहेंगी। इसका अग्निवीर से कोई लेना देना नहीं है, आपकी 60 साल तक की नौकरी रहने वाली है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास मांगी गई है। पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, तो हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। आप सभी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक गवर्नमेंट जॉब लेने की, वो भी ग्रुप सी में। अब आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और जानकारी आप सभी को देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सभी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट नोटिस इंस्ट्रक्शन आप सभी को दिया गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ द ग्रुप सी सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉयज एट द यूनिट अंडर हेडक्वार्टर साउदर्न कमांड, तो साउदर्न कमांड की तरफ से जारी किया गया है। और ये जो साउदर्न कमांड आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और उसी में ये वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉयज एट यूनिट अंडर हेडक्वार्टर साउदर्न कमांड विल बी हेल्ड फॉर एलिजिबल मेल एंड फीमेल, तो आप ये भी देख लें कि महिला पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी है। कैंडिडेट हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, द डिटेल ऑफ कैटेगरी फॉर विच द कैंडिडेट विल बी स्क्रीन फॉर द नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट ऑफ वैकेंसीज, स्केल ऑफ पे एंड द क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट आर मेंशन बिलो। तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे जैसे कि एमटीएस की पोस्ट दी गई है, एमटीएस में जो आपकी पोस्ट रहेगी वो मैसेंजर की यहाँ पे पोस्ट रहेगी, जिसमें आपकी 13 वैकेंसी निकाली गई है। जनरल की 9 वैकेंसी, एसटी की 1, एससी की 1, ओबीसी की 1 और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 1 निकाली गई है। इस तरीके से यहाँ पे अगर हम सैलरी की बात करें तो मिनिमम 18,000 से लेकर 56,900 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे एज क्राइटेरिया आप सभी को दिया गया है 18 से 25 साल, यानी कि 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो आपका एज क्राइटेरिया होगा इसकी गणना की जाएगी 8 अक्टूबर 2023 से। तो 8 अक्टूबर 2023 को आपकी उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम 25 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में होंगे तो सभी पोस्ट के लिए 3 साल की छूट, अगर आप एससी या फिर एसटी तो आपको 5 साल की उम्र सीमा में छूट मिलेगी, इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी पोस्ट के लिए सेम एज क्राइटेरिया है, जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 18 से 25 साल, ओबीसी कैंडिडेट 18 से 28 साल और बाकी के जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे जैसे एससी और एसटी, तो ये यहाँ पे 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे बात करें तो अगली पोस्ट आपकी एमटीएस दफ्तरी की वैकेंसी है, जिसमें 3 वैकेंसी निकाली गई है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की एक एक वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। सैलरी आपको यहाँ पे 18,000 से लेके 56,900 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलती है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th पास है दोनों के लिए, सेम 10th पास यहाँ पे रखी गई है। फिर यहाँ पे कुक की 2 वैकेंसी है, ये केवल जनरल कैटेगरी में वैकेंसी है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो जनरल कैटेगरी में आप कुक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे 19,900 से लेकर 63,200 रुपए सैलरी रहेगी, 18 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया है, साथ ही में मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास के साथ साथ आपके पास यहाँ पे कुकिंग की नॉलेज होनी चाहिए। सभी पोस्ट के लिए सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है 10th पास। अगर आप 10th पास हैं, आपकी एज 18 से 25 साल है और आप इंडियन सिटीजन मेल एंड फीमेल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे बच्चे फिर कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि सर इसके लिए हाइट क्या चाहिए, चेस्ट क्या चाहिए। कोई हाइट क्राइटेरिया नहीं है, कोई चेस्ट क्राइटेरिया नहीं है। सिंपल 3 चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर आप 10th पास हैं, आपकी उम्र सीमा 18 से 25 साल जनरल में, ओबीसी में 28 साल, एससी एसटी में 30 साल और मेल एंड फीमेल, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वॉशरमैन के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है, सैलरी 18,000 से लेकर 56,900। मजदूर की वैकेंसी 3 निकाली गई है, जिसमें 18,000 से 56,900। और एमटीएस गार्डनर की 1 वैकेंसी निकाली गई है जो कि जनरल कैटेगरी में रहेगी। सभी के लिए सेम क्राइटेरिया रखा गया और सभी के लिए सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो यहाँ पे आप पोस्ट के अकॉर्डिंग ये चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे आप सभी को दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कैटेगरीज के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे देखेंगे द पोस्ट आर प्रेजेंटली लोकेटेड एट पुणे, मुंबई और देवलाली एंड आपका अहमदनगर। तो आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो इन 4 जगह पे रहेगी, पुणे, मुंबई, देवलाली और अहमदनगर, इन पे आपकी जो जॉब पोस्टिंग रहेगी वो इस लोकेशन पे रहने वाली है। बाकी का
एज लिमिट 18 से 25 साल जनरल कैटेगरी, ओबीसी 18 से 28 साल, एससी एसटी 30 साल, जो कि मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूं। यहां पे जो क्रूशियल डेट होगी यानी जिससे जिस दिन आपकी उम्र की गणना की जाएगी वो मैंने आपको बता दिए, 8 अक्टूबर से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, साथ ही में यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको बताया गया है। The A written test will be held which will have question of the level of class 10th 12th ITI as per essential qualification of the respective post. Candidate appearing for written test would also be subjected to skill practical test applicable for cook washerman only. तो यहाँ पे देखो selection process आपको बता दिया है कि यहाँ पे सबसे पहले आपका written examination होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन की अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसके जो टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या स्क्रीन पे जो आपको वेबसाइट दिख रही है इसे आप गूगल ब्राउजर में सर्च करके भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद फिर यहाँ पे आपका होता है स्किल टेस्ट, जो कि ओनली फॉर कुक एंड वॉशरमैन के लिए रहेगा और किसी के लिए भी नहीं होना है, और रिटर्न एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, कोई यहाँ पे आपका फिजिकल भी नहीं होने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ना तो कोई दौड़ वगैरह होने वाली है, ना कोई हाइट, ना कोई चीज, नॉर्मली यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन देंगे। अगर आप कुक एंड वॉशरमैन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, बाकी का कुछ भी आपका नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं एससी एसटी वगैरह जो कैंडिडेट है, यहाँ पे एससी एसटी कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट जनरल वैकेंसीज आर नॉट एलिजिबल टू द फोर एज। तो यहाँ पे क्लियर बोल दिया गया कि अगर आप जनरल की वैकेंसी में अप्लाई करेंगे और आप एससी एसटी हैं तो आपको जो भी रिलैक्सेशन वगैरह मिलते हैं वो आपको यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस इन द ट्रेड वेयर एक्सपीरियंस इज डिजायरेबल प्रोड्यूस अलोंग विद द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप सभी को बोला गया, देखिए सभी पोस्ट में 1 ईयर का डिजायरेबल एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया, तो आपको वो सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना होगा, ये क्लियर आप सभी को यहाँ पे बोला गया। तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप कहीं से भी बना के लगा सकते हैं, साथ ही में फोटो कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टू बी अटैच अलोंग विद द एप्लीकेशन डेली अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसके साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे होने चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डली सेल्फ अटेस्टेड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इफ यू आर एक्स सर्विसमैन। तो ये यहाँ पे दिया गया है, साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि यहाँ पे आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन का जो टेस्ट होगा, जो रिटर्न एग्जामिनेशन या स्किल टेस्ट होगा वो आप सभी को बताया गया, जीआरसी कामटी मिलिट्री स्टेशन द स्किल टेस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कुक एंड वॉशरमैन पोस्ट ओनली विल बी हेल्ड एज द आर्डरी सेंटर नासिक रोड कैंप, यहाँ पे बताया गया। तो इन्हीं लोकेशन पे आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया में इनके सेंटर्स बनाए जाएं, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रेड्समैन के लिए बोला गया कि यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए आप सभी को जो भी ट्रेड्समैन के लिए क्वालिफाई होंगे उनके लिए यहाँ पे अलग से भेजा जाएगा, जो आपका स्किल टेस्ट का शॉर्टलिस्टेड होगा कॉल लेटर उसके लिए भेजा जाएगा अलग से, जो कुक एंड वॉशरमैन के लिए ओनली एप्लीकेबल होगा। बाकी की कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी गई है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब देखिए बात आती है इसके बाद यहाँ पे ऑफिशियल चीज की, तो यहाँ पे ऑफिशियल भी मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ ताकि आप सभी के दिमाग में कोई भी चीज यहाँ पे डाउट ना रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे देख लें कि ये जो वैकेंसीज निकाली गई है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ यानी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियली इसका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया है। इसकी वेबसाइट से ही मैं आप सभी को सारी चीजें चेक करा देता हूँ। तो ये हेडक्वार्टर साउदर्न कमांड की वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे ग्रुप सी रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको दिया गया है, और यहाँ पे बोला गया है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 18th ऑफ सितंबर 2023। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स, तो यहाँ पे आपको डेट दिखा देगा कि कब से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। तो आप देख सकते हैं 18 सितंबर 2023 से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट आपकी 8th ऑफ अक्टूबर। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर की गई है, साथ ही में हाउ टू अप्लाई के बारे में भी आपको बताया गया। तो यहाँ पे एक वीडियो को लिंक दी गई है जो फिलहाल के लिए शायद हटा दी गई है। यहाँ पे आवेदन के चरण आपको बताए गए हैं कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, यूजर व्यू एडवर्टाइजमेंट, गो टू इंटरनेट एंड द ओपन वेबसाइट, क्रिएट न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस वेबसाइट, लॉग इन द कैंडिडेट, प्रिंट एप्लीकेशन, फिल अप द डिटेल एंड केयरफुली एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक अप्लाई फॉर द पोस्ट लिंक, योर एप्लीकेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो ये सारे प्रोसेस आपको बताए गए कि ये प्रोसेस फॉलो करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की डिटेल्स दी गई है, यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं।
यहाँ पे अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो आपको दी गई है। जैसे एज लिमिट 18 से 25 साल, कैटेगरी वाइज आपको बताया गया। डेट ऑफ बर्थ भी अगर आपको चेक करनी है तो डेट ऑफ बर्थ भी आप चेक कर सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई इस डेट ऑफ बर्थ का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको देखो क्लियर करके बता देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। मान के चलो किसी बच्चे का 2003 में जन्म हुआ है, और यहाँ पे सेट कर दो, और यहाँ पे क्या है अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, बच्चा जनरल कैटेगरी से है, यहाँ पे विशेष मामला नन कर देते हैं और सबमिट अगर आप कर देंगे तो आपको दिखा देगा कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो आप सभी देख सकते हैं। इस तरीके से ये बता देगा एज लिमिट एंड द इट्स रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको बताया गया है। तो डेट ऑफ बर्थ इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके जब इसका फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो आप ये सारी चीजें यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो पूरी जो ऑफिशियल अपडेट है वो मैंने आप सभी को दे दी है, साथ ही में यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी सी आपको कम देखने के लिए मिल रही है। और आप सभी को बता दें कि इस तरह की वैकेंसीज जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में निकाली जाती है, रक्षा मंत्रालय की तहत वैकेंसीज जो निकाली जाती है, इसमें हमेशा नंबर ऑफ वैकेंसी आपको थोड़ी सी कम देखने के लिए मिलती है, और ये प्रोसेस रहता है। बाकी का इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट को गूगल ब्राउजर में सर्च करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।